हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी हमें अपने डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे मेरी वकालत मत करो, आप हमेशा उसकी वकालत करते हो, मैं उसकी वकालत नहीं करना चाहता हूँ। तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं प्लीड फॉर समवन, या फिर आप यूज कर सकते हैं एडवोकेट फॉर समवन। इसका हिंदी मीनिंग है किसी की वकालत करना, यानी कहने का मतलब है किसी के पक्ष में बोलना। आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखेंगे प्लीड फॉर, या फिर आप लिख सकते हैं एडवोकेट फॉर, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्लीड है वो हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, और उसी प्रकार हमारा एडवोकेट भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। आपने सबके सामने उसकी वकालत की। यू प्लीडेड फॉर हिम बिफोर एवरीवन। You pleaded for him before everyone. फ्रेंड्स, यहाँ पर before का मतलब है के सामने। Next, आप हमेशा उसकी वकालत करते हो। You always plead for him. You always plead for him. फ्रेंड्स, अगर लड़की है तो आप यहाँ पर him के प्लेस पर her का यूज करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं You always advocate for him. You always advocate for him. मुझे दूसरों की वकालत करने का शौक है। I am fond of pleading for others. I am fond of pleading for others. Next, मेरी वकालत मत करो। Don't plead for me. Don't plead for me. मैं उसकी वकालत नहीं करना चाहता हूँ। I do not want to plead for him. I do not want to plead for him. That's it friends. आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, आजकल वह तुम्हारी वकालत कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।